मैं हूँ रीता सिंह। स्टिच मंत्रा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला मास्क बताऊंगी। इस मास्क को बनाने के लिए एक पेपर चाहिए और एक प्लेट चाहिए और ये कपड़ा चाहिए और प्लास्टिक चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टिच मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। फ्रेंड्स, ये प्लेट 8 इंच की होनी चाहिए। ये देखिए, 8 इंच की इसकी चौड़ाई चाहिए। ये देखिए, आठ इंच से ज़्यादा होएगा तो मास्क बहुत बड़ा बन जाएगा और अगर छोटा होएगा तो छोटा बनेगा, लेकिन छोटा होगा तो बच्चों के लिए आप बना सकते हो। तो ये प्लेट ऐसे रखिए और एक प्लेट को राउंड शेप में निशान लगा दीजिए। अगर प्लेट आपके पास 8 इंच का ना हो तो आप प्रकार ले सकते हो और उसमें 4 इंच की स्पेस भर लीजिए और उसके बाद उसे एक सेंटर पॉइंट में रख के, सेंटर पॉइंट में ऐसे रख के और एक ऐसे गोला खींच लीजिए और इसको 4 फोल्ड में ऐसे करिए। चार फोल्ड लगा दिया मैंने और अब इसे सीजर से काट लीजिए। जो निशान लगा हुआ है सेंटर पॉइंट से, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से ऐसे प्लेट रखिए ये निशान मार लीजिए। इसी तरह से दूसरे साइड से भी। अगर आपके पास प्लेट नहीं हो तो मैंने आपको कंपास से बोला, मेरे पास इस टाइम कंपास है नहीं अवेलेबल, इसलिए मैं हाथ से ही बता रही हूँ। तो आपने कंपास का जो पॉइंट है वो यहाँ रखना है और पेंसिल वाला एरिया इधर और ऐसे गोला मार देना है आपको। ऐसे ही इधर से यहाँ से कंपास का पॉइंट रखिए और पेंसिल वाला एरिया यहाँ रखिए और ऐसे निशान मार लीजिए और इन दोनों पीस को हम कैंची से सीजर से काट देंगे। अब इसको कपड़े को काटेंगे। फ्रेंड्स, हमारे पास 2 तरह का कपड़ा है और बहुत ही कम कपड़े में हो जाता है। इन 2 कलर के कपड़ों का फायदा है ये रिवर्सिबल मास्क बनेगा। आप दोनों साइड से इसको पहन सकते, एक तरफ से प्लेन है और दूसरी तरफ से प्रिंटेड है, तो दोनों साइड से आप इसको पहन सकते हैं। अभी हम काटेंगे, दोनों कपड़ों के 2-2 पीस कटेंगे। दोनों कपड़ों के 2-2 पीस कट गए। चलिए हम सिलाई करते हैं। अब इसकी सबसे पहले एक साइड का सिलाई करेंगे, दोनों का एक 1 साइड सिलाई करेंगे। आपके पास सिलाई मशीन अगर नहीं है तो आप हाथ से भी सिल सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सिलाई नहीं है। ये देखिए, बीच की सिलाई हो गई इसकी। अब इसमें हम लास्टिक सिलेंगे।
फ्रेंड्स, ये इलास्टिक मैंने 8 इंच की ली है। इलास्टिक लगाने के लिए सबसे पहले हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह आपने फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद जो बंद वाला एरिया है, ये देखिए, ये खुला वाला एरिया है, ये बंद वाला एरिया, बंद वाले एरिया की तरफ से इंची टेप से 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये निशान लगाएंगे, देखिए निशान आपको दिख रहा होगा, निशान लगा सीजर से बिल्कुल जरा सा कट लगाएंगे, ध्यान से कि सारा ज्यादा कपड़ा ना कटे, बिल्कुल जरा सा कट लगाइए। अगर कट लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप सभी पर्त में ऐसे निशान लगा दीजिए। अब लास्टिक को सिलना है। लास्टिक हम सीधे साइड से, कपड़ा का जो मास का सीधा साइड है, ये सीधा साइड है, ये उल्टा साइड है, तो सीधे साइड में लास्टिक को ऐसे रखना है। अब इसकी सिलाई करनी है। अपने दूसरे वाले पीस को ऐसे रखना है, ये सीधा साइड है, सीधे साइड ही ऐसे रखना है। दोनों कपड़ों की जो सिलाई से सिलाई को एक साथ रख के ऐसे, ये देखिए, सिलाई से सिलाई से जोड़ के और सिलते जाना है। बस आपने लास्ट जो लास्टिक है वहाँ तक ही सिलना है। 1.5 इंच की लंबाई में मास की सिलाई नहीं करनी, जहाँ से हम मास पलटेंगे सीधा साइड बाहर ले आएंगे, उतना आपने नहीं सिलना है। ये देखिए, यहाँ से मैंने 1.5 इंच छोड़ दिया था, यहीं से हम मास को पलट देंगे। अब हमने जहाँ से खुला हुआ एरिया है इसे हम सिलाई करेंगे और पूरी सिलाई करेंगे। यहाँ से हमने सिलना है, इसको बंद करना है। यहाँ से लास्टिक है लगा हुआ, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, खुला वाला एरिया है, इसको हमने सिल देना है साथ साथ। सिलाई आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, इसका लास्ट वाली सिलाई
बस चारों साइड सिल देना। ये देखिए मास्क हो गया रेडी, कितना सुंदर मास्क बना है। और ये दोनों साइड से आप, अब दो कलर का मैंने लगाया है तो ये दो साइड से, दोनों साइड से पहन सकते हैं। बहुत ही जल्द तैयार हुआ है मास्क।